नाम मिस गौरमान है और तारुक जब्बा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं पेशावर यूनिवर्सिटी से मतलब बीएस कर रहा हूँ। मैं अभी स्टूडेंट हूँ थर्ड ईयर का और पेंटिंग हमारा शौक़ है और बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत इंटरेस्ट सब्जेक्ट है ना, और पेंटिंग मेरा मतलब सब्जेक्ट है। आगे मतलब कैलीग्राफी भी करता हूँ और साथ साथ मतलब ये भी सीख रहा हूँ। पेंटिंग मेरा शौक़ है और साथ साथ मतलब मैं कैलीग्राफी भी करता हूँ और साथ मतलब कुछ ऐसी स्केचिंग वगैरह हो वो भी करते हैं हम, कोई आर्डर वगैरह मिल जाए तो वो भी करते हैं। और आज जो हम आए बचहान मरकज़ में ये मतलब पोर्ट्रेट वगैरह बना रहे हैं और इस पर मतलब और कंपटीशन भी है ना, साथ जितने दोस्त आए हैं हम सब मतलब मिलकर बना रहे, कोई इस पर शायरी लिख रहे है, कोई पोर्ट्रेट बना रहे है, कोई मतलब हर किस्म का अपना जहन है ना। जो हम मतलब कैलीग्राफी करते हैं या हम कैनवस पे करते हैं, बड़ा या छोटा कैनवस हो भी हो, फिर सबसे पहले हम इसका बेस बनाते हैं, मतलब कलर वगैरह ऑयल पेंटिंग हो हम बेस बनाते हैं। बेस बनाने के बाद फिर हम इसका आखिर जो होता है मतलब वो एक बेस बन दूसरी लहर भी बनाते हैं ताकि ये मतलब मजबूत हो जाए ना। और दूसरी बात, हम जब कैलीग्राफी करते हैं इसकी कलम की ज़रूरत होती है, ब्रश कलम ही मिलती है और मतलब सादा बांस वाली भी मिलती है, तो जब मतलब हम चार पे लिखाई करते हैं तो वो मतलब बांस के साथ हम लिखाई करते हैं। जब मतलब कैनवस हो या मतलब और दीवार वगैरह हो तो ब्रश वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए कलम ब्रश होती है। तो पेंटिंग में जो ज़रूरी सबसे बात उसकी बेस होती है, बेस मतलब अच्छी हो, कैलीग्राफी के मुताबिक हो तो सो ये ज़बरदस्त लगती है, दूर से देखो तो बहुत दिलचस्प लगती है, अगले बंदे के भी दिल होता है कि मैं भी कैलीग्राफी करूँ। मुझे बचपन से ही ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं खुद सेल्फ था आर्टिस्ट, मैंने बस थोड़ा सा अकेडमी से इसके बारे में सीखा था, लेकिन इसके बाद मैं खुद कर रही हूँ और आज मैं अपनी कुछ पेंटिंग की एग्जीबिशन के लिए यहाँ पर लाई हूँ जो कि अभी डिस्प्ले हो जाएगी इंशाल्लाह। आर्ट को सीखने के लिए जरूरी नहीं कि जिस तरह हम लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है। जिस बंदे को इंटरेस्ट ना वो कभी भी ये नहीं सीख सकता। मुझे बचपन से इंटरेस्ट था और मैं इसी में आगे इंशाल्लाह तरक्की कर सकती हूँ, लेकिन जिसको ना हो तो वो टाइम पास नहीं सीख सकता।